टाइमिंग तो पहली बात होनी नहीं चाहिए। परंपरा के नाम पे वीमेन को लिमिट कर देना है, ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी पावर छीन जाएगी। ये सरासर एक तरीके से अन्याय है क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र शाखा है, स्वतंत्र इसका सब कुछ नियम है। कॉलेज में टाइमिंग्स को लेके, हॉस्टल को लेके जैसी समस्या चली जा रही है, इसके बारे में सही में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मतलब टाइमिंग नहीं होना चाहिए हॉस्टल्स का। लखनऊ विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर रोज धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, कहीं प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग होती है तो कहीं यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को लेकर के धरना होता है। ऐसे में ही राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ के छात्रों से हम जानेंगे कि जो हॉस्टल की टाइमिंग चेंज हुई है, लड़कियों की 8 बजे और लड़कों की 10 बजे, इस पर उनका क्या विचार है। कोई भी मतलब टाइमिंग नहीं होना चाहिए हॉस्टल्स का। और सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करना चाहूँगा, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी बच्चों को सिखा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उस बड़े लोकतंत्र की इस समय स्वयं एक महिला राष्ट्रपति है और जहाँ के प्रधानमंत्री बड़े बड़े नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री स्वयं मिशन शक्ति और अनेकों नारे देते हैं कि महिला सशक्तिकरण चरम पे है उत्तर प्रदेश में और रोज बताया जाता है कि महिलाएं 24 घंटे खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं, उसी उत्तर प्रदेश की स्थित राजधानी में नैक ए ग्रेड का कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ की प्रशासन की क्या मानसिकता समझ में नहीं आ रही है, जो विश्वविद्यालय समाज की दशा और दिशा तय करता है वहीं पर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा रहा है, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग 8 बजे तक सीमित रखी जाती है, बॉयज हॉस्टल की टाइमिंग 10 बजे तक। पहली की मान्य है कि हॉस्टल की कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU जहाँ पे हॉस्टल की कोई टाइमिंग नहीं है और वहाँ पे सबसे बड़ी बात लाइब्रेरी भी 24 घंटे खुली रहती है। हमारी लंबे समय से डिमांड ये भी रही है कि यहाँ पे भी लाइब्रेरी 24 घंटे खोली जाए और हॉस्टल की सारी टाइमिंग हटाई जाए और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लगातार देखने को मिल रहा है इसको बदला जाए और टाइमिंग हटाई जाए हॉस्टल। सबसे पहली बात तो जो साथी ने बाकिया बोली कि टाइमिंग तो पहली बात होनी नहीं चाहिए। लगभग सारे हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो किस बात का आप प्रॉक्टर, किस बात का आप सिक्योरिटी देने का दावा करते हैं। और एक अगर आप सिक्योरिटी देनी है तो आप गार्ड्स को अलर्ट रखिए, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योरिटी देने का मतलब आप पुलिस को बीच में बिठाए दे रहे हैं, जगह जगह पुलिस बैठी है, जगह जगह पर आपके आई कार्ड चेक कर रही है, आपके मतलब आपको इंटरोगेट कर रही है, ये कोई लहजा नहीं होता है आपका कि आप इस तरीके से छात्रों को इंटरोगेट करें। और दूसरी बात यह है कि मतलब आप अगर आपको सिक्योरिटी देनी है तो आप कैमरे बढ़ाइए, सिक्योरिटी का सचेत रखिए, आप उनका सैलरी तो देते नहीं 2 साल वो कैसे अपने ढंग से काम करेंगे। तो ये सारा चीज़ है इस तरीके से मतलब जेंडर इक्वेलिटी, मतलब पहली बात तो क्या लड़कियों का 8 बजे और लड़कियों का 10 बजे का, लड़कों का 10 बजे का मतलब क्या है। लड़कियों का 8 बजे तो उनका 8:01 पे भी अगर वो कैंपस के अंदर हॉस्टल के अंदर जाती है तो उनसे फाइन लिया जाता है 200 रुपये 400 रुपये इस तरीके से। और वही जगह बॉयज का है वहाँ पे भले ही टाइमिंग है लेकिन उसके बाद भी कोई पालन नहीं होता उस चीज़ों का है, तो एकदम गलत तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में लागू है। आप एक छात्रा हैं और आपके हॉस्टल का टाइम जो है 8 बजे किया गया है, उसको आप किस तरीके से। हॉस्टल का टाइम 8 बजे एक्चुअली हमेशा से था और जब आप प्रॉक्टर से पूछने जाएंगे कि क्यों है तो वो कहते हैं कि नहीं ये 200 साल से चला आ रहा है, परंपरा है। तो जो ये परंपरा के नाम पे औरतों को बांध देना, उनको कहते हैं कि नहीं आप 8 बजे के बाहर बाद बाहर नहीं जाएंगी, परंपरा तो पहले ये भी थी ना कि औरतें पढ़ेंगी नहीं, पर पढ़ती हैं और आप उसमें गर्व लेते हैं कि हमारे यहाँ इतनी महिला स्टूडेंट्स पढ़ती हैं। तो ये जो परंपरा के नाम पे वीमेन को लिमिट कर देना है, ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी पावर छीन जाएगी, क्योंकि जब औरतें पढ़ लिख जाएंगी या रात में घूमेंगी लड़कों की तरह तो जो उनकी जो पावर है कंट्रोल करने की वो उनके हाथ से चली जाएगी, ये सारा वो अपने पावर के लिए करते हैं। और दूसरी बात की जैसे हम इतना बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनको लेट हो जाता है तो फाइन लेते हैं, अगर आप 8:01 पे भी आ रहे हैं तब भी आपसे 200 रुपये फाइन लिया जाएगा। तो इस तरह की काम करते हैं ताकि इसलिए कि अगर वो काम कर रही है तो अपना काम छोड़ दे, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी डिक्लाइन हो गई वुमेन और एक सोसाइटी का जो आधा पॉपुलेशन है वो वुमेन, तो आप आधी पॉपुलेशन को 8 महीने के बाद अंदर बंद करके और सोचिए कि आपका देश महान हो जाए और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश बन जाए, फर्स्ट मतलब हम 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, तो जो हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप आधी पॉपुलेशन को अंदर कैद करके नहीं कर सकते हैं। और जो अभी टाइमिंग का इशू हुआ है कि 8 बजे लड़कियों का है और 10 बजे लड़कियों का है,
तो ये इतने पहले लड़कों का, क्योंकि हॉस्टल टाइमिंग में कोई भी टाइम नहीं था, वो खाली पेपर पे था। और अभी जब पुलिस की इस तरह से घटना हुई है, वायलेंस हुआ है, उसके बाद नोटिस आया है, तो ये पूरा पेट्रियार्कल नोशन दिखाता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि बाहर वायलेंस तो होगा। जब वो विमेन से कहते हैं बाहर वायलेंस तो होगा, आपको सेफ रहना है तो आप अंदर रहिए, वही सेम चीज उन्होंने लड़कों से कही है कि बाहर पुलिस का वायलेंस तो होगा, आपको सेफ रहना है तो आप अंदर बंद रहिए। तो ये जो पूरा पेट्रियार्कल नोशन है, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप ऊपर सरफेस एरिया पे, सरफेस लेवल पे बात करेंगे ना कि हमें नहीं, विमेन्स को काम होता है तब हो जाए। क्यों भाई, अगर मेरा मन है कि मुझे जाना है 2 बजे, टहलना ही है, मुझे अंदर रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तब भी लिबर्टी होनी चाहिए कि मैं जा सकूं। आज सिर्फ सरफेस पे बात करने से नहीं होगा, आपको बिल्कुल एकदम जो उसका पेट्रियार्कल नोशन है, जहाँ से वो चीजें इजाद हुई हैं, वहाँ पे जब तक बात नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा नाम विंध्यवासिनी शुक्ला है, मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अभी बीते कुछ दिन पहले समय का जो निर्धारण हुआ है कि 10 बजे के बाद हॉस्टल से लड़के बाहर नहीं जा सकते, ये सरासर एक तरीके से अन्याय है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र शाखा है, स्वतंत्र इसका सब कुछ नियम है। तो इस तरह बच्चा जैसे है, कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, रात में उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ढूंढते हैं, तो लाइब्रेरी की भी टाइमिंग में क्या है कि 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो अगर उसको रात में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेगा। इतनी सारी विश्वविद्यालय में समस्याएँ हैं कि जिनका कोई निवारण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने 1 महीने पहले 15 तारीख से, 15 नवम्बर से लगातार छात्र जागरूकता अभियान चल रहा है, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर, छात्र संघ चुनाव जो कि हम सभी छात्रों का अधिकार है, क्योंकि राजनीति की प्रथम सीढ़ी कही जाती है छात्र राजनीति, जिसका दमन विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। सो हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पत्र दिया जा चुका है कि छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं, तब भी न जाने क्या मजबूरी है कि छात्र संघ चुनाव नहीं किए कराए जा रहे हैं। प्रशासन की तानाशाही, स्कॉलरशिप, टंकियों को पानी की शुद्ध व्यवस्था ना होना, शौचालय एकदम स्थिति इतनी गंदी है कि आदमी कुछ कह नहीं सकता है, अपनी बात नहीं रख सकता है, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, छात्र संघ चुनाव को वापस से बहाल कराया जाए। हम लोगों ने 1 महीने से ऊपर हो गया है छात्र संघ बहाली को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों में जाकर छात्रों को जागरूक किया है। आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो यही गेट नंबर 1 पे धरने पर भी बैठेंगे। इसका मैं आज यहीं पे इसी के आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये कॉलेज में टाइमिंग्स को लेके, हॉस्टल को लेके जैसी समस्या चली जा रही हैं, इसके बारे में सही में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो वॉयलेंस वगैरह हो रहा है, इन पे भी थोड़ा कुछ ना कुछ एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बात सही है, आप किसी को भी ऐसे रोक नहीं सकते हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़के हों, छात्र हों, छात्राएं हों, सबका अपना कुछ ना कुछ अधिकार है और सबको उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। ये तो बात सही कही है, बट प्रशासन को भी तो अपना देखना चाहिए ना कि आपको कौन सी चीज़ को कितने लिमिटेशन में करना चाहिए। आप बता रहे हैं 8 बजे के बाद लड़कियां जा ही नहीं सकती हैं, आपको अपने उस पर भरोसा नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो हमारी लड़कियों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। इस पे मैं तो बस यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए। हम लोग छात्र संघ संयुक्त छात्र संघ बहाली के लिए बहुत एक करीबन 28-29 दिन हो गए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ये जितने जल्दी हो सके ये ऊपर तक जाए, हमारी बातें जाए और इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखिए आपका हर जगह से आपको क्लीन चिट मिल चुकी है कि हम यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अब हमारा अधिकार होता है, हमारा मतदान का भी अधिकार होता है कि हम यहाँ पे अगर इलेक्शन होगा, छात्र संघ यूनियन बनेंगे तो उससे कॉलेज का ही होगा, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाएंगे। कहते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी डेवलपमेंट के फेज़ में नहीं है। आप चले जाइए यहाँ पे किसी भी वॉशरूम में चले जाइए, किसी भी उसमें जाइए, उसकी इंस्पेक्शन कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, अभी मैं आपको इंस्पेक्शन करा दूंगा, इतनी बुरी कंडीशन चल रही है, इस पर हमें काम करना चाहिए, मेरा यही कहना है। और इसी के साथ आप सबसे अनुरोध है कि आप सब हमारा समर्थन करें और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने क्या कहा, छात्राओं ने कहा कि ये टाइम ड्यूरेशन जो सही नहीं है और छात्र और छात्राओं में 2 घंटे का जो अंतर है ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति और नारी शक्ति सशक्तिकरण को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं पर विश्वविद्यालय में हॉस्टल टाइमिंग को लेकर के जो ये समय अंतराल है इसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।